दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारी पृथ्वी जैसी हमें ऊपर से दिखती है असल में वैसी है नहीं। सरफेस पर पानी की प्रेजेंस की वजह से ये लगभग एक परफेक्ट स्फेयर के शेप में दिखाई देती है, लेकिन अगर पृथ्वी का सारा पानी हटाकर इसका एक्चुअल शेप देखा जाए तो अर्थ हमें कुछ इस तरह दिखाई देगी। तो बचपन से हम जिस अर्थ को बुक्स में और वीडियोस में गोल देखते आए हैं, एक्चुअल में तो वो गोल है ही नहीं। एंड नाउ आई एम श्योर कि जो लोग इस फैक्ट के बारे में नहीं जानते रहे होंगे, वो इस फैक्ट को जानने के बाद ज़रूर से शॉक हो गए होंगे। लेकिन क्या करें, हमारे अर्थ की टोपोग्राफी ही कुछ ऐसी है, जहाँ कहीं पर तो 8 से 9 किलोमीटर ऊंचे पहाड़ हैं, तो वहीं कहीं कहीं पर इससे भी गहरे ट्रेंचेस यानी कि गड्ढे मौजूद हैं। और एक ऐसा ही ट्रेंच यानी कि गड्ढा है पैसिफिक ओशियन में सिचुएटेड मारियाना ट्रेंच, जिसके बारे में आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। एंड यू विल बी शॉक टू नो कि एक पॉइंट पर तो इस ट्रेंच की गहराई लगभग 11 किलोमीटर तक मेजर की जा चुकी है। तो जरा एक बार सोच कर देखिए कि पानी के इतने नीचे की दुनिया आखिरकार कैसी होगी, क्या वहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती होगी, और अगर करती होगी तो इतने ज्यादा इंटेंस हाई प्रेशर में कैसे सर्वाइव करते होंगे वहां के क्रिएचर्स। क्या पानी के इतने नीचे सूर्य की एक किरण भी पहुंचती होगी, या फिर कम्प्लीटली डार्कनेस रहती होगी वहां पर। और पानी के इतने नीचे क्या कभी इंसानों ने जाने की कोशिश की है, और अगर की है तो क्या हम लोग इसमें सक्सेसफुल रहे हैं। और सबसे मेन सवाल कि आखिरकार इतने गहरे गहरे ट्रेंचेस अर्थ की सरफेस पर बन कैसे जाते हैं, और क्यों ये ट्रेंचेस हम ह्यूमंस के लिए एक इम्पॉर्टेंट रिलीफ हैं अर्थ का। ऐसे ही कई सारे सवालों के जवाब हम लोग अपनी आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम, और चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग इस मारियाना ट्रेंच को समझते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले तो चलिए समझते हैं कि आखिरकार अर्थ की सरफेस पर इतने बड़े बड़े और गहरे गहरे ट्रेंचेस फॉर्म कैसे होते हैं। तो अर्थ की जो क्रस्ट है वो कई सारे छोटे बड़े स्लैब से मिलकर बनी हुई है, जिसे प्लेट्स भी कहते हैं, और ये प्लेट्स हमेशा मूव करती रहती हैं पार्शियली मोल्टन एस्थेनोस्फेयर के ऊपर। और इसी मूवमेंट के कारण ये प्लेट्स कभी तो आपस में टकराती हैं और कभी एक दूसरे से अलग होती हैं। तो जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं यानी कि कन्वर्ज होती हैं, तो मोर डेंसर प्लेट जो होती है वो लेस डेंसर प्लेट के नीचे सबडक्ट करने लगती है। और इसी सबडक्शन जोन में दोनों प्लेट्स के कंप्रेशन के कारण यहाँ एक वी शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, और इसी वी शेप्ड स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं ट्रेंच। और मारियाना ट्रेंच भी कुछ इसी तरीके से ही फॉर्म हुआ है। अब अगर बात करें स्पेसिफिकली मारियाना ट्रेंच के बारे में, तो ये ट्रेंच वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में पैसिफिक प्लेट और फिलीपींस प्लेट के कन्वर्ज होने से बना है, जिसमें पैसिफिक प्लेट ज्यादा डेंसर होने के कारण फिलीपींस प्लेट के नीचे सबडक्ट कर रही है। और सिर्फ फिलीपीन प्लेट के साथ ही नहीं, पैसिफिक प्लेट ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स के साथ भी कन्वर्ज हो रही है, और नाजका प्लेट एंड अंटार्कटिका प्लेट से सेपरेट हो रही है। और इसीलिए पैसिफिक प्लेट का ये पूरा बॉर्डर जोन एरिया काफी अनस्टेबल है, क्योंकि प्लेट मूवमेंट के कारण 80% से भी ज्यादा मेजर अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोज इसी एरिया में ऑब्जर्व किए जाते हैं। और इसीलिए इस पूरे एरिया को पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। मारियाना ट्रेंच फिलीपींस प्लेट के ईस्ट में एक क्रीशेंट शेप का दिखाई देगा अगर आप टॉप से देखेंगे इसे, तो जिसकी नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट है लगभग 2500 किलोमीटर, और वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंट यानी कि इसकी विड्थ है 70 किलोमीटर अप्रॉक्स, और मैक्सिमम डेप्थ इसकी जो अभी तक मेजर की गई है वो है 10,984 प्लस माइनस 25 मीटर्स, यानी कि अप्रॉक्स 11 किलोमीटर आप कह सकते हैं इसे। और इस मैक्सिमम डेप्थ वाले पॉइंट को नाम दिया गया है चैलेंजर डीप। अब जरा टाइम ट्रेवल करते हैं और चलते हैं पास्ट में, जब एक ब्रिटिश रिसर्च व्हीकल जिसका नाम था HMS चैलेंजर 1872 से लेकर 1876 के बीच में एक मिशन पर था, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था ओशियन के अक्रॉस ट्रेवल करके ओशियन के अलग अलग पॉइंट्स की डेप्थ मेजर करना, एंड इसके साथ और भी कई सारी चीजों की स्टडी करना फॉर रिसर्च पर्पसेस। और फ्रेंड्स, इनके डेप्थ मेजर करने का तरीका भी बिल्कुल सिंपल था। सिंपली एक रोप यानी कि रस्सी में एक वेट को बांध कर समुद्र में डाला जाता था, और रस्सी जब सी फ्लोर पर पहुंच जाती थी तो रस्सी को मेजर करके उस जगह पर पानी की डेप्थ का पता लगाया जाता था। अब अपने एक्सपेडिशन के दौरान ईयर 1875 में ये लोग वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में मारियाना आइलैंड्स के आसपास एज यूजुअल डेप्थ मेजर कर रहे थे, कि तभी एक पॉइंट इन्हें ऐसा मिला जहां इनकी 1 किलोमीटर लंबी रस्सी
पूरी पानी के अंदर चली गई, और इसीलिए इन्होंने 1 किलोमीटर लेंथ की एक दूसरी रस्सी भी उस पहली वाली रस्सी के टॉप पर अटैच कर दी। अब ये वाली रस्सी भी पूरी की पूरी समुद्र के अंदर चली जाती है, लेकिन अभी भी सी फ्लोर का कोई अता पता नहीं था। अब क्योंकि यहाँ की एक्चुअल डेप्थ मेजर करनी ही करनी थी, तो इसीलिए रिसर्चर्स रस्सी पर रस्सी बांधते चले गए और एक के बाद एक रस्सी पानी के अंदर डूबती चली गई, और फाइनली 8 से भी ज़्यादा रस्सियाँ लगाने के बाद इन्हें सी फ्लोर मिल ही गया। और यहाँ की एक्चुअल डेप्थ जो कि उस समय मेजर की गई थी वो थी लगभग 8,148 मीटर्स, यानी कि 8.15 किलोमीटर्स के आसपास। अब ये डेप्थ उस समय तक रिकॉर्ड की गई मैक्सिमम डेप्थ थी, और इसीलिए इस मैक्सिमम डेप्थ वाले पॉइंट का नाम भी HMS चैलेंजर के नाम पर रखा गया, जो कि था चैलेंजर डीप। लेकिन रिसर्चर्स को क्या पता था कि अभी उन्होंने जितनी डेप्थ मेजर की है एक्चुअल में तो इसकी डेप्थ उससे भी कहीं ज़्यादा है। इसका पता तब लगा जब और भी कई सारी रिसर्चेस की गई, और हर एक रिसर्च में इसकी डेप्थ अलग अलग आ रही थी, किसी में 9,600 मीटर्स तो किसी में 10,000 मीटर्स। तो इसीलिए 1951 में HMS चैलेंजर का ही एक दूसरा एक्सपेडिशन स्टार्ट किया गया, और इस बार इन्होंने इको साउंडिंग की मदद से यहाँ की मैक्सिमम डेप्थ 10,900 मीटर्स मेजर की। अब जो लोग इको साउंडिंग के बारे में नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि एक ऐसा मेथड है जिसमें सोनार यानी कि साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का यूज़ करके एकॉस्टिक वेव्स को पानी में रिलीज किया जाता है, और इन वेव्स के रिलीज एंड रिटर्निंग के बीच में टाइम इंटरवल को मेजर करके इसे स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर के साथ कंपेयर करके उस जगह की एक्चुअल डेप्थ के बारे में पता लगाया जाता है, और ये काफ़ी प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन देता है हमें। और फाइनली बाद में इसी टेक्नोलॉजी की मदद से हमें ये पता चला कि चैलेंजर डीप केवल एक छोटा सा एरिया नहीं है मारियाना ट्रेंच का, बल्कि ये 3 अलग अलग बेसिन से मिलकर बना हुआ है, जिसमें हर एक बेसिन लगभग 6 से 10 किलोमीटर लेंथ में और लगभग 2 किलोमीटर विड्थ में है, और इसके साथ साथ तीनों ही बेसिन लगभग 10,850 मीटर से भी ज़्यादा डेप्थ में मौजूद हैं मेन सी लेवल से। अब ज़रा एक बार सोच कर देखो 11 किलोमीटर्स की गहराई, ये उतनी गहराई है जिसमें अगर आप माउंट एवरेस्ट को भी उल्टा करके घुसाएंगे फिर भी लगभग 2 किलोमीटर्स का गैप बच जाएगा इस ट्रेंच को पूरा भरने के लिए। और अगर इंसानों के साथ कंपैरिजन करें तो नॉर्मल साइज के लगभग 6,330 इंसानों को एक के ऊपर एक खड़ा करेंगे तब जाके कहीं इस ट्रेंच की डेप्थ के साथ कॉम्पीट कर पाएंगे। वो बात अलग है कि अगर पानी के इतने नीचे हम इंसान पानी के एक्सपोजर में आ गए तो हमारे फटके 4 नहीं बल्कि 4,000 टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ 11 किलोमीटर नीचे पानी का प्रेशर लगभग 1,071 टाइम्स मोर है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। जहाँ नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर 14.7 PSI होता है, वहीं पानी के इतने नीचे लगभग 15,750 PSI का प्रेशर लगता है। तो आप सोच सकते हैं कि डेप्थ में जाने के बाद पानी हमारे लिए कितना डेंजरस हो सकता है। तो क्या इतने इंटेंस हाई प्रेशर के बावजूद भी इंसानों ने चैलेंजर डीप में जाने की कोशिश की है, और अगर की है तो क्या हम लोग इसमें सक्सेसफुल रहे हैं? वेल, वी आर ह्यूमंस एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर अस। एज ऑफ 2022 लगभग 22 मैंड एंड 7 अनमैंड डिसेंट्स करे जा चुके हैं इस मारियाना ट्रेंच पर। पहला जो डिसेंट था वो 23 जनवरी 1960 में किया गया था, जिसमें जैक स्पिकर्ड जो कि एक स्विस ओशियानोग्राफर एंड इंजीनियर थे, और इनके साथ एक अमेरिकन ओशियानोग्राफर एक्सप्लोरर एंड मरीन पॉलिसी स्पेशलिस्ट लेफ्टिनेंट डॉन वॉल्स जो कि एक रिटायर्ड ऑफिसर थे US नेवी के, ये दोनों ट्राइस्टी नाम की एक बैथिस्केप में बैठकर चैलेंजर डीप में उतरते हैं, जो कि काफ़ी मजबूत व्हीकल थी। और चैलेंजर डीप में 20 मिनट लगभग बिताने के बाद ये दोनों वापस सरफेस पर आ जाते हैं। 26 मार्च 2012 में एक और डिसेंट होती है, जिसमें फेमस कैनेडियन मूवी डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन डीप सी चैलेंजर नाम की एक सबमर्सिबल में बैठकर सोलो डाइव करते हैं इस चैलेंजर डीप में। बाय द वे, अगर आप जेम्स कैमरॉन को नहीं जानते हैं तो एक मूवी जो कि काफ़ी फेमस है जिसका नाम है अवतार, वो आपने ज़रूर देखी होगी, तो वो मूवी इन्हीं के द्वारा डायरेक्ट की गई है। इसके अलावा 2019 में 5 डीप्स एक्सपेडिशन, 2020 में रिंग ऑफ फायर एक्सपेडिशन, 2021 में अगेन रिंग ऑफ फायर का सेकेंड एक्सपेडिशन एंड 2022 में रिंग ऑफ फायर का थर्ड एक्सपेडिशन, और साथ ही कई और एक्सपेडिशंस सक्सेसफुली कैरी आउट किए जा चुके हैं इस मारियाना ट्रेंच में। अब बात करें अगर यहाँ लाइफ के एग्जिस्टेंस के बारे में, तो ओशियन के इतने नीचे नो डाउट लाइफ तो एग्जिस्ट करती है। वैसे तो कई सारे क्रिएचर्स इतनी डेप्थ में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अब तक का सबसे डीपेस्ट क्रिएचर जो कि मारियाना ट्रेंच में पाया गया है वो एक स्नेल फिश है, जिसका नाम मारियाना स्नेल फिश है, जो कि 27,400 फीट यानी कि लगभग 8,370 मीटर्स नीचे पाई गई है मारियाना ट्रेंच में। इसके साथ साथ कई और स्पीशीज
जैसे कि जाइंट आइसोपॉड्स, वेम्पायर स्क्विड, सिंगल सेल्ड लार्ज अमीबा, गॉब्लिन शार्क्स, एंगलर फिशेज, फ्रिल्ड शार्क्स, डम्बो ऑक्टोपस और मारियाना हैच फिश जैसी कई और स्पीशीज यहाँ पाई जाती हैं, जो कि एक सिग्निफिकेंट डेप्थ में एग्जिस्ट करती हैं। अब फ्रेंड्स, एक सवाल जो कि आपके मन में फूट फूट कर आ रहा होगा कि पानी के इतने नीचे आखिरकार ये मैरीन एनिमल्स इतने इंटेंस हाई प्रेशर में सर्वाइव कैसे कर लेते हैं। इनकी बॉडी इतने हाई प्रेशर की वजह से इम्प्लोड क्यों नहीं हो जाती? तो इनकी बॉडी में ऑलमोस्ट पूरा पानी रहता है और एयर प्रेजेंट ही नहीं रहती। अब क्योंकि एयर प्रेजेंट ही नहीं है तो बाहर से चाहे जितना प्रेशर लगे, अंदर का पानी थोड़े ही कंप्रेस होगा। पानी तो इनकम्प्रेसिबल होता है ना, वहीं ह्यूमन बॉडी में एयर प्रेजेंट रहती है, जैसे कि लंग्स में, और एयर कंप्रेसिबल होती है। तो इसीलिए अगर ह्यूमन बॉडी पानी के इतने इंटेंस हाई प्रेशर के कॉन्टेक्ट में आती है तो बॉडी के वो पार्ट्स जिसमें एयर प्रेजेंट है सबसे पहले कोलैप्स करके क्रश हो जाएंगे और उस इंसान की इमीडिएट डेथ हो जाएगी। और दूसरी बात, इन डीप सी क्रिएचर्स के अंदर पीजोलाइट नाम के स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि इनकी बॉडी के अदर मॉलिक्यूल्स जैसे कि मेम्ब्रेन एंड प्रोटीन्स को हाई प्रेशर से क्रश होने से बचाते हैं। वेल, कैसे बचाते हैं ये तो अभी तक किसी को नहीं पता। इसके अलावा ये ट्रेंचेस न्यूक्लियर वेस्ट को डंप करने की साइट्स भी बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लेट सबडक्शन के कारण न्यूक्लियर वेस्ट भी नीचे मेंटल में पुश हो जाएगा। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये एक अच्छा आइडिया नहीं है, इनफैक्ट ये तो इल्लीगल भी है। इससे डीप सी में रहने वाले क्रिएचर्स पर काफ़ी बुरा असर पड़ेगा, और तो और इससे पानी पर भी काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ेगा रेडियो एक्टिविटी की वजह से। और ऊपर से प्लेट सबडक्शन काफ़ी स्लो प्रोसेस है, तो इसीलिए वेस्ट को मेंटल तक पहुंचते पहुंचते ही लाखों साल लग जाएंगे, और अपर मेंटल में पहुंचने के बाद भी वहां का टेम्परेचर इतना हाई नहीं होता कि ये यूरेनियम जैसे एलिमेंट्स को मेल्ट करके डीके कर पाए। इसके अलावा अगर देखा जाए तो और भी कई सारे ट्रेंचेज हैं, मारियाना ट्रेंच जैसे ही, जो कि लगभग इतने ही गहरे और मिस्टीरियस हैं, जैसे कि साउथ सैंडविच ट्रेंच, फिलीपींस ट्रेंच, टोंगा ट्रेंच, जापान ट्रेंच एक्सेट्रा। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो मारियाना ट्रेंच के ऊपर, और मुझे लगता है कि हमने आज के इस वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड सारे मेन एस्पेक्ट्स समझ लिए हैं। तो वीडियो अगर जरा से भी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करना, और मैं मिलता हूँ आपको किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।